अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक बार भगवान कृष्ण अमरावती पुरी पधारे महारानी सत्यभामा के साथ। महारानी सत्यभामा ने कल्प वृक्ष को देखा और उस कल्प वृक्ष को जैसे स्पर्श किया देवता गण महारानी सत्यभामा से लड़ने लगे कि यह स्वर्ग की वस्तु देवी इसको स्पर्श आप नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले इसको स्पर्श करने का अधिकार तो केवल उर्वशी को, अन्य किसी को नहीं। आपने स्पर्श कैसे कर लिया? क्या यह द्वेष नहीं? क्या ईर्ष्या नहीं है? क्या मात्सर्य नहीं? रही बात अहंकार की, अमृत में तो इतना अहंकार भरा हुआ है कि जिसने इसका पान किया वो अपने सामने किसी को समझा ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं को असे जन माजगे माही प्रभु संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको अहंकार ना हो। किसी को धन का, किसी को ज्ञान का, किसी को बल का, किसी को रूप का, अगर इन वस्तुओं का भी अहंकार नहीं है तो इस बात का अहंकार जरूर है कि मुझे अहंकार नहीं है। ये बहुत बड़ा अहंकार है, घमंड। कहा अहंकार से युक्त, इसीलिए तो बार बार आपको दंड मिला। क्यों? क्योंकि आप अमृत पान कर चुके थे और भगवान का आहार क्या है? अहंकार है।